गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल वीना। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमारा थर्ड लेसन है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम यानी कि आत्मनिर्भरता। इस पाठ में दो मित्र की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है। स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है, पराधीन व्यक्ति दुखी होता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। पाठ की समझूती। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशंत स्तंभाम आसन। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पचवाशत गवाक्षम चतुस्वचारित्यंश द्वाराणि अष्टत्रिशंत विद्युत व्यजनानि च आसन। अत्र दश सेवकों निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। परः कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो पुष्कं दंपन्ति तस्य गृहं आडंबर विहीन साधारण जन्य आसीतः। यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है समृद्ध, धनवान, रिच। चत्वाक्षर 40, 40। स्तंभा खंभे पिल्लर अष्टादश 18, 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में इन रूम्स 50, 50, 50। गवाक्षम खिड़कियां विंडोज। चतुस्तत्वाक्षरसं 40, 44। 44 का मीनिंग है 44। द्वाराणि दरवाजे डोर्स। अष्टत्रिशं कहा 36, 36। गृहं घर हो। कुशक दंपति किसान पति पत्नी प्रेजेंट कपल। आडंबर विहीन दिखावा रहित विदाउट फॉर्म्स एंड शो। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उस बड़े घर में 40 खंभे थे। वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माताजी और पिताजी किसान पति पत्नी थे। इसका घर आडंबर यानी कि दिखावा रहित और साधारण था। कृष्णमूर्ति एंड श्रीकांत वेर टू फ्रेंड्स। श्रीकांत फादर वॉज रिच, देयरफॉर देयर वेर ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट एंड luxuries in his house. There were 40 pillars in that house. There were 40 windows and 50 windows and 44 doors and 36 electric fans in 18 rooms. 10 servants used to work continuously
shoppers. His home house was without pomp and show and ordinary. सेकेंड पैराग्राफ हमारा, एकदा श्री कृष्ण श्रीकंठ तेन सह प्रातेय नववादने तस्य गृहम् अगच्छत। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वसकत्या श्री कृष्ण कृष्णस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्त। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयंत मित्र अह भवता सत्कारेण संतुष्टस्मि, केवलम इदमेव मम दुख यतत्व गृहे एकोडपि बुद्ध्यम नासीत। मम सत्कार्य भवता बहु कष्ट जातम, मम गृह तु गुहतः कर्म कराम समीतः। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा सनीतः, तेच दो पादो दो हस्तो दे नेत्रे द्वे स्रोते इति, एते प्रतिक्षण मम सहायकः। किन्तु त्व भूत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवति न शुक निवरन्ति, त्वा तु स्वकार्याय भूतादिन यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वा कष्टम अनुभवसि, स्वावलम्बेन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्ट भवति। शब्दा अतिथ्यम अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी, कर्म करम काम करने वाला वर्कर, संतुष्टम संतोष करने वाला सेटिस्फाई, भवतां आपके विथ यू बहव बहुत से मेनी, भूत्यम नौकर सर्वंट, स्वावलंबी आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, प्रतीक्षण हर पल एवरी मोमेंट, अनुपस्थिता उपस्थित नहीं है एब्सेंट, अधीनम निर्भर डिपेंडेंट, स्वकार्य है अपने काम के लिए फॉर योर वर्क, अनुभव से अनुभव करते हो। फिर सरला एक बार श्रीकंठ और उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर जाता है। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हो। मेरे घर में तो बहुत से सेवक है। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर है और वे दो पैर दो हाथ दो आंखें और दो कान है, ये हर पल मेरे सहायक है, परंतु तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं है हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए
स्वावलंबन से तो हमेशा सुखी है, कभी कष्ट नहीं होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। वंस श्री कृष्ण वेंट टू कृष्णमूर्तिज होम विद हिम एट नाइट इन द मॉर्निंग। देन श्रीकांत hospitality to the best of their capability. On seeing this, Shikhar said, "Friend, I am satisfied with your hospitality. The only thing पैराग्राफ। श्रीकांत अवदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। भवतु सार्धद्वादश वादना मनदिदम साम्प्रतम गृहम चलामि। अवदत कहा बोले से मनसी मन हृदय में इन हार अधुना अब नाउ स्वयमेव अपने आप माय सेल्फ ओनली। बहुत ठीक है ओके। साधु पाशवादनम साढ़े बारह बजे हाफ पास ट्वेल्व सांप्रतम अब इस समय नाउ। सल्लार श्रीकंद बोला मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करूंगा। ठीक है अब 12:30 बजे है, मैं अब घर चलता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। श्रीकांत से फ्रेंड हियरिंग योर वर्ड्स आई एम प्लीज इन माय हार्ट। नाउ आई विल also
my work myself. All right.